तो मुंगेर यूनिवर्सिटी ने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है आप लोग को पार्ट थ्री वाले के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप डेट को लेके। इसमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे सर ये सही है या गलत है, मैं थोड़ा बिजी था इसलिए नहीं देख पाया था, नोटिस पहले ही आ चुकी है तो आप लोग को बताएंगे कि ये नोटिस 100% सही है या फेक है और कब से कब तक आपका फॉर्म फिलअप होगा। यदि होगा तो आइए हम लोग देख लेते हैं वीडियो के नोटिस को पहले। सबसे पहले तो देखिए इन्होंने जारी किया डिपार्टमेंट ऑफ एग्जामिनेशन MUX 816/2022 और इसका ठीक पीछे वाला नोटिस देखिएगा तो वहाँ पे 815 वाला नोटिस है, तो ये सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग सही है। और यहाँ पे सिग्नेचर भी देखिएगा तो इनका डिजिटली सिग्नेचर भी सही है, तो इससे पता चलता है ये 100% सही है। ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ चुकी है, ऑफिशियल वेबसाइट अब मुंगेर यूनिवर्सिटी खोलेंगे तो थोड़ी देर भी अपडेट कर दिया इन लोगों ने। देखिए यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में डिग्री पार्टी एग्जाम फॉर्म सेशन 2019-22 एग्जाम 2022, ये पूरा डिटेल देखता हूँ नोटिस को। तो देखिए डिटेल नोटिस, स्नातक पार्ट थ्री परीक्षा 2022 सत्र 2019-22 में सम्मिलित होने वाले सभी छात्र छात्राओं एवं संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि परीक्षा प्रपत्र भरने की तिथि निम्नांकित है। जैसा कि इन लोगों ने नोटिस भी निकाल दिया और बोला था 15 दिसंबर से एग्जाम लेंगे, तो यूनिवर्सिटी इस बार पार्ट थ्री को कंप्लीट करने को लेकर बहुत ही सीरियस है और इसमें ऐसा लग रहा है कि आप लोग का 15 दिसंबर से भी एग्जाम भी स्टार्ट कर सकता है, उसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही प्रमोटेड वाले क्या कर पाएंगे उसके बारे में भी देखेंगे। तो देखिए दिनांक 6 दिसंबर 2022 से लेकर 10 दिसंबर 2022 तक बिना विलंब शुल्क का, और शुल्क क्या है बिना विलंब शुल्क 475 रुपीज़, 475 रुपये आपके फॉर्म फिलअप का लगेगा। और फिर लेट फाइन के साथ देख सकते हैं आप 11 दिसंबर 2022 से लेकर 13 दिसंबर 2022 तक विलंब शुल्क के साथ यानी 475 रुपये आपका विदाउट फाइन और 100 रुपया फाइन के साथ 575 रुपीज़ लगेगा। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि फिर से डेट बढ़ जाएगी हम लेट करेंगे, तो आपको इस डेट में फॉर्म फिलअप कर ही लेना है, क्योंकि यदि 15 दिसंबर से ये लोग एग्जाम कराएंगे तो फिर आपको डेट फिलअप बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा ये लोग फॉर्म बढ़ाने का, वो अलग बात है इनका सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए तो बढ़ा दे अलग बात है, लेकिन अभी आप लोग फाइनल डेट यही मानिएगा और 5-6 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच ही आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, ताकि जिससे कि 100 रुपया का आपको बचा तो लेट फाइन नहीं देना पड़े। नेक्स्ट है देखिए परीक्षा फॉर्म भरने के लिए क्या क्या शर्तें हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या शर्तें हैं देख लेते हैं। तो नंबर वन में इन लोगों ने लिखा है वैसे छात्र छात्राएं जिनका पार्ट वन एवं पार्ट टू उत्तीर्ण हो, सबसे बड़ी समस्या यही है पार्ट वन पार्ट टू दोनों पास हो वही लोग फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो जो लोग पास हैं वो लोग तो खुशी मनाइए कि आप लोग फॉर्म फिलअप कर लेंगे, लेकिन जो लोग पार्ट वन या पार्ट टू किसी में भी प्रमोटेड हैं तो वो लोग फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे, क्योंकि 10 दिसंबर से पहले 6 और 10 दिसंबर के बीच में ये लोग कोई प्रमोटेड का एग्जाम करवाएंगे नहीं और रिजल्ट घोषणा करेंगे नहीं तो आप लोग कैसे पास होंगे। इसलिए आप लोग का एडमिशन लेने को नहीं बोला जा रहा था जो लोग प्रमोट थे कि एडमिशन लें, क्योंकि पार्ट वन में प्रमोटेड जो होते हैं उनको पार्ट टू में एडमिशन मिल जाती है, बट पार्ट वन या तो पार्ट टू किसी में भी प्रमोटेड होते हैं तो उनको पार्ट थ्री में एडमिशन नहीं मिलती है, इसलिए आप लोग को फॉर्म फिलअप करने नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है परीक्षा प्रपत्र भरने के लिए महाविद्यालय से भौतिक सत्यापन कराना बहुत ही जरूरी होगा, यानी कि आपको फिजिकली कॉलेज में प्रेजेंट होना पड़ेगा, जो कि इस डिजिटल ज़माने में ऑनलाइन के ज़माने में आपको कॉलेज जाने के लिए एक बार जरूर ये लोग परेशान करेंगे। अब इसमें अलग बात है कि किसी किसी जो जो बहुत ज़्यादा दूर में दिल्ली में हैदराबाद में है बेंगलोर में है कुछ लोग कमेंट्स थे ऐसे तो उन लोग को परेशानी हो सकती है, लेकिन कॉलेज से कॉन्टैक्ट करने के बाद आपका परेशानी सॉल्व हो सकता है। इसलिए फॉर्म फिलअप करने के लिए पार्ट वन पार्ट टू में उत्तीर्ण होना है और आपको कॉलेज में फिजिकली प्रेजेंट होना है। नेक्स्ट आपका है माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार, ये पूरे 100% सही है, आप लोग इस पर 100% विश्वास कर सकते हैं, ये फेक न्यूज नहीं है। इसलिए आप लोग का फॉर्म फिलअप डेट आ गया, एक बार फिर जान लें हम लोग 6 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक। जैसा कि एग्जामिनेशन कंट्रोलर रामाशीष पूर्वे ने बताया कि हम लोग 15 दिसंबर को एग्जाम कराएंगे पार्ट थ्री का, तो वैसा ही लग रहा है, इसलिए आप लोग आलतू फालतू चीज़ें देखने को छोड़ के टाइम वेस्ट करने को छोड़ के आप लोग तैयारी में जुट जाइए और सब्जेक्टिव एग्जाम होगा लिखना ही पड़ेगा, इसलिए आप लोग का एग्जाम जरूर अवश्य होगा 15 दिसंबर से होगा या नहीं भी 15 दिसंबर से होगा लेकिन दिसंबर में ही स्टार्ट हो जाएगा, तो ज़्यादा समय नहीं है आप लोग का एग्जाम हो जाएगा और ये सेशन कंप्लीट करने को लेके थोड़ा सीरियस देख रहे हैं इस बार और बहुत जल्द आप लोग का सेशन कंप्लीट करके देंगे। इसलिए आप लोग क्वेरी जो भी होगा कमेंट कर लीजिएगा, आप लोग को नेक्स्ट बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आपका इसमें फॉर्म फिलअप में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कॉलेज जाने के समय क्या लगेगा नहीं लगेगा सारा कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर देंगे। अभी तक के लिए यही है कि ये नोटिस सही है और एग्जाम फॉर्म फिलअप होगी 6 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक। नेक्स्ट पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। जय हिंद जय भारत।